नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बॉलीवुड पैसेंजर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फिल्मों के बारे में जिसने अपने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई की है। और कमाल की बात यह है कि इसमें शाहरुख खान की फिल्म का नाम पांचवें स्थान पर है दोस्तों, और पहले चार स्थानों पर साउथ की फिल्मों ने कब्जा कर रखा है। शाहरुख खान की फिल्म जवान की बात करें तो ये 5 दिन में 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है, परंतु पहले दिन की कमाई की तुलना करें तो प्रभास की सुपर फ्लॉप फिल्म आदि पुरुष ने भी पहले दिन जवान से ज्यादा कमाई की थी दोस्तों। तो चलिए मैं उन चार फिल्मों की जानकारी देती हूँ जिन्होंने ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई की है दोस्तों। लिस्ट में पहले नंबर पर आता है फिल्म RRR, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी और जिसे SS राजामौली ने डायरेक्ट किया था। इसमें रामचरण और जूनियर NTR लीड रोल में थे दोस्तों। इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 223.5 करोड़ का बिजनेस किया था साथियों। अब दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे नंबर पर आती है प्रभास की बाहुबली 2, 2017 में आई। इसे भी SS राजामौली ने डायरेक्ट किया। इसमें प्रभास, अनुष्का शेट्टी और राणा दंगुबत्ती लीड रोल में थे। इसने अपने ओपनिंग डे पर 214.5 करोड़ का कारोबार किया था साथियों। तीसरे नंबर पर KGF चैप्टर 2, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी और प्रशांत नील ने इसे डायरेक्ट किया था। फिल्म में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी नजर आए थे। इसका ओपनिंग डे का कलेक्शन 164.5 करोड़ रुपए था। चौथे नंबर की बात करें तो फिल्म आदि पुरुष, जो 2023 में रिलीज हुई थी, ने इस जगह पर कब्जा कर रखा है। इस फिल्म में प्रभास, कीर्ति सेनन और सैफ अली खान लीड रोल में थे। फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद पहले दिन की कमाई में जवान से आगे रही है दोस्तों। आदि पुरुष ने पहले दिन 136.8 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि जवान के ओपनिंग डे का कलेक्शन 129.5 करोड़ रुपए है दोस्तों। तो आप कमेंट करें और बताएं कि इन सब में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।